हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनदर मैथमेटिक्स पजल वीडियो। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 6 प्लस 12 जिसका सम आपके इक्वल दिया गया है 24 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 7 प्लस 14 जिसका सम आपके इक्वल दिया गया है 28 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 8 प्लस 16 जिसका सम आपके इक्वल दिया गया है 32 के इक्वल दिया गया है। और लास्ट में आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 9 प्लस 18 किस चीज़ के इक्वल होगा, ये आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड करना है। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूँ। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 6 प्लस 12 जिसका सम आपका इक्वल होता है 18 के इक्वल होता है, और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 24 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 7 प्लस 14 जिसका सम आपका इक्वल होगा 21 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 28 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 8 प्लस 16 जिसका सम आपका इक्वल होगा 24 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 32 के इक्वल दिया गया है। और लास्ट में आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करें, 9 प्लस 18 जिसका सम आपका इक्वल होगा 27 के इक्वल होगा, और आपको यहीं पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स की जगह यहाँ पे आपके पास कौन सा नंबर आएगा। अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिंपली आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर आप फर्स्ट नंबर को देखोगे जो कि आपके पास यहाँ पे दिया गया है 6 दिया गया है, और नेक्स्ट नंबर आपके पास दिया गया है 12 दिया गया है, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या हुआ है, 6 का डबल हुआ है। उसी तरह अगर आप नेक्स्ट नंबर देखोगे जो कि आपके पास दिया गया है 12 दिया गया है, अगर आप 12 और 24 देखोगे तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है, 12 का डबल होता है, यानी कि यहाँ पे होता है 12 का डबल जो कि आपके पास होता है 24 होता है। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या देखना है, फर्स्ट नंबर को देखना है जो कि आपके पास यहाँ पे रहेगा 7 रहेगा, 7 का डबल जो कि आपका इक्वल होगा 14 के इक्वल होगा जो कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है। उसी तरह लास्ट नंबर के लिए आपको क्या करना है, 14 का डबल करना है जो कि आपका होगा 28 होगा, और 28 आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको देखना है फर्स्ट नंबर को देखना है जो कि आपके यहाँ पे रहेगा 8 रहेगा, 8 का डबल जो कि आपका इक्वल होगा 16 के इक्वल होगा जो कि आपको दिख रहा है सेकंड नंबर। उसी तरह लास्ट नंबर निकालने के लिए आपको करना है 16 का डबल करना है जो कि आपका इक्वल होगा 32 के इक्वल होगा, वो 32 आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह सेम फॉर्मूला का यूज करके आप क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको देखना है फर्स्ट नंबर को जो कि आपका सेम 9, और 9 का डबल जो कि आपका इक्वल होगा 18 के इक्वल होगा, और 18 आपको दिख रहा है सेकंड नंबर। और लास्ट नंबर निकालने के लिए क्या करना है आपको, 18 का डबल करना है जो कि आपका इक्वल होगा 36 के इक्वल होगा, यानी कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं वहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 36 आएगा। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस विल फाइंड informative. Thank you for watching it.